भारत अब एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है जो कि पूरे दुनिया में अपनी क्लास का सबसे हल्का और काफी एडवांस मटेरियल से बना फाइटर जेट होगा। हम बात कर रहे हैं तेजस MQ-2 फाइटर जेट की। यहाँ पर हाल ही में एक नई रिसर्च सामने निकल कर आई है कि काफी एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स और कॉन्क्यूरिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। अब ये कॉन्क्यूरिंग टेक्नोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर फाइटर जेट्स बनाने के लिए आपने देखा होगा कॉम्पोजिट, ट्रेडिशनल कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग यूज किया जाता है, लेकिन अब हमारे MK2 में एक कॉन्क्यूरिंग बॉन्ड मल्टीपल कॉम्पोजिट लेयर्स बिछाए जाएंगे साइमल्टेनियसली। और इसके तीन फायदे हैं। सबसे पहले तो इसका वेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मैकेनिकल जॉइंट्स काफी कम है। दूसरा, इसका पूरा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग से लगभग दुगना ज्यादा पावरफुल है। और थर्ड है कॉस्ट एफिशिएंसी। फ्यूअर पार्ट्स होने के चलते इसका मेंटेनेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम आती है। हमारे वैज्ञानिकों ने वादा किया है कि सबसे बड़ा फोकस है हमारा एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स पर। आगे वैज्ञानिकों ने ये भी प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे जो एकदम लाइटर, स्ट्रॉन्गर और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अभी इसको और ज्यादा शक्तिशाली और काफी ज्यादा स्टेल्थी बनाने के लिए एक DRDO ने हाल ही में जो पेंट बनाया था आपको याद होगा, यहाँ पर आप ट्विटर पोस्ट भी देख सकते हो जहाँ पर DRDO की डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर ने एक रडार एब्जॉर्बिंग पेंट तैयार कर दिया है। अगर इस तरह के पेंट को भी हम हमारे तेजस फाइटर जेट में यूज करने लग जाए, इसको काफी हद तक हम स्टेल्थी बना सकते हैं और 4.5 जनरेशन की कैटेगरी में आराम से फिट हो सकता है। और जब हमारे ये वैज्ञानिक पेंट तैयार कर रहे थे, इन्होंने कहा कि इस तरह के पेंट्स काफी एडवांस कंट्रीज में अवेलेबल है, लेकिन कोई इस तरह के आइटम्स को बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता। और फाइनली भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जो ऐसे रडार सिग्नेचर रिड्यूसिंग पेंट को तैयार करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो बस अब इस फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा है जो चीन और पाकिस्तान की हरकतों का ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आपकी क्या राय इसके ऊपर, लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।